हनी, तुषार, साक्षी, तुम तीनों के लिए ना टेबल पे आईफोन रखे हुए हैं। साक्षी, 15 प्रो मैक्स, वाव, थैंक यू सो मच सर। तुषार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हनी, थैंक यू सर। भैया, ये ना आईफोन है, न्यू मॉडल, 256 GB है, क्या ये बिक जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, बिक जाएगा। अब कितने में बिक जाएगा ये? कम से कम 1 लाख रुपए का तो बिकेगा ही। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप ये फोन ले लीजिए और मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। अरे ये तो खाली है। अब भैया वो एक्चुअली ना शायद मैं अपना फोन घर पे भूल आया हूँ, हम मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है भैया, आपकी वो जो मोबाइल वाली शॉप थी ना वो बंद थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मुझे ना ये आईफोन सेल करना है, आप देखिए ना ये कितने का बिक जाएगा। हाँ मैडम, बिक जाएगा। मैडम क्या मजाक कर रहे हो, ये तो खाली है। खाली? अरे ये खाली कैसे हो सकता है सर, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मुझे खाली बॉक्स। मैडम वो सब मुझे नहीं पता, आप जाइए यहाँ से। अरे सर लगता है आपने हमें गलत बॉक्स दे दिए, ये बॉक्स तो खाली है। हाँ सर, आपने मुझे भी गलत बॉक्स दे दिया है, मेरा बॉक्स भी खाली है। नहीं सही तो दिए हैं। अरे सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, आपने हमें खाली बॉक्स क्यों दिया है? सर ये क्या मजाक है, बोनस कहाँ है हमारा? सैलरी मिल गई थी ना तुम्हें इस महीने की? हाँ सर सैलरी तो मिल गई है। सर हम बोनस की बात कर रहे हैं, सैलरी की नहीं। और आपने साक्षी को तो बोनस दिया है ना, तो हमें क्यों नहीं? अच्छा तो बोनस चाहिए तुम्हें? अरे सर इस कंपनी में हम सब मिलकर काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो सिर्फ साक्षी को ही बोनस क्यों मिला? मैं बताता हूँ तुम दोनों को। यार तुषार मुझे लगता है ना बॉस का दिमाग खराब हो गया है। अरे यार ये हमारा काम थोड़ी ना है कि हम शॉप पर जाएं और जाके फोन लेकर आएं, यार हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है तो हनी। अरे यार ये सब करने थोड़ी ना ऑफिस में आते हैं, हमें और भी काम नहीं है क्या? तुषार हम एक काम कर सकते हैं, हम चोर बाजार जाके नकली आईफोन खरीद के लेके आते हैं और जो पैसे बचेंगे उनकी हम दोनों पार्टी कर लेंगे। अरे यार ये तो बहुत सही आइडिया है। पर ये तो गलत है ना। ओ हेलो, तू ना अपनी औकात में रह समझी ना, और सामने देखे अपना काम कर चुपचाप। और एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आती है दो लोगों के बीच की बातें सुन रही है? अगर बॉस को पता लग गया तो? पता चल गया ना तो हम लोग अपने आप हैंडल कर लेंगे, तुझे इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है समझी। और तेरी जो औकात है ना इस कंपनी में उसी औकात के अनुसार रहे, और अगर तूने बॉस को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो तुझे ऐसे झूठे केस में फंसा के बाहर निकलवा दूंगी इस ऑफिस से समझी। सुना नहीं तुमने, काम करो अपना। तो अब पता चला तुम्हें कि साक्षी को ये बोनस क्यों मिला है? क्योंकि ना जब भी कोई कंपनी की बात होती थी ना तो साक्षी अपना 100% देती थी, कंपनी के बारे में ही सोचती थी, और तुम दोनों तो बस अपना ही देखते थे ना, कंपनी के भाड़ में, कंपनी का चाहे कितना भी नुकसान हो, तुम्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब है ना। एक साक्षी ही थी जो कंपनी के बारे में सोचती थी, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम डेस्क पर कितनी देर बैठते हो और तुम क्या करते हो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तुम मुझे रिजल्ट क्या देते हो। तुम दोनों सिर्फ कंपनी में आके टाइम पास ही करते हो, काम नहीं करते, काम बस साक्षी ही करती है। साक्षी सिर्फ ऐसी है जो बस कंपनी के बारे में सोचती है, और तुम दोनों बस अपने बारे में सोचते हो, अपना पेट भरने से मतलब है तुम दोनों को। और सिर्फ साक्षी ही ऐसी है जो बस कंपनी के बारे में सोचती है, इसीलिए आज कंपनी इसके बारे में सोच रही है और इसको ये बोनस दे रही है। मैं मानता हूँ कि साक्षी को एक्सपीरियंस कम है, लेकिन जो इसके अंदर ईमानदारी है ना वो तुम दोनों से बहुत ही ज़्यादा है, और मैं उसकी कदर करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है उसको ऐसे ही बोनस मिल गया? उसने बहुत मेहनत की है ये बोनस पाने के लिए, उसने दिन रात एक किया है। तुम सारा दिन क्या काम करते हो मेरी हर पॉइंट पे नज़र रहती है कि सारा दिन तुमने क्या काम किया क्या नहीं, मेरा हर चीज़ पे ध्यान रहता है कि कौन कंपनी के बारे में सोच रहा है कौन नहीं। तुम आज भी ना उसी पोजिशन पर हो जहाँ 5 साल पहले थे, तुमने बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो अपने काम के लिए, अपनी कंपनी के लिए। तुम्हें ना सक्सेस की भूख ही नहीं है, तुमने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, कभी कंपनी के बारे में नहीं सोचा। और जब तक तुम अपनी कंपनी के बारे में सोचोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और वही इंसान ग्रो कर पाता है जो अपने से ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में सोचे और कंपनी भी उसके बारे में सोचती है। सर आई एम वेरी वेरी सॉरी, इतने सालों में मैंने ना ही अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा और ना ही कंपनी की, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
सर मैं प्रॉमिस करती हूँ आज से मैं इस कंपनी के बारे में भी सोचूंगी और आपको ग्रोथ करके दिखाऊंगी। हाँ सर, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है, मैंने इस कंपनी के बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा। आप हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप जी जान लगा के काम करूंगा, आई प्रॉमिस, और अपने साथ साथ इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में भी सोचूंगा। आई होप कि अगले साल आप दोनों को भी बोनस मिले। आप दोनों भी ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो और अपनी कंपनी के बारे में सोचो। अब जाइए, अपना काम संभालिए।